गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस जी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है आज की इस कक्षा में अपन जो चर्चा करेंगे वो विधि द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रशासनिक विधि के, के संबंध में करेंगे जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में लास्ट जो कक्षा हुई थी उसमें चर्चा की थी डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और उसी कक्षा से आगे अपन अपनी बात को बढ़ाएं इससे पहले देखो मैंने पहली कक्षा में भी आपको बताया है या पहले कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं कि दे संविधान जो है वो देश का सुप्रीम लॉ है और उसके अंडर ही सारी विधियों का निर्माण होता है या यूं कह सकते हैं कि ऐसी कोई विधि नहीं हो सकती जो संवैधानिक प्रावधानों को ओवर रूल करती हो या उनको ओवर राइड करती हो तो प्रशासनिक विधि में भी अपन आगे बढ़ें या डेलीगेशन के अध्याय को अपन पढ़ना चाहें इससे पहले हमें इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति को देखना पड़ेगा तो हालांकि ब्रिटिश नौकरशाही के भारत में प्रवेश होने के बाद और ब्रिटिश भारत में जो न्यायपालिका कार्यशील रही है उसके निर्णयों पर यदि अपन दृष्टिपात करें तो प्रत्यायोजित विधायीन के उदाहरण हमें उस समय भी मिलते हैं और विशेष तौर से प्रीवी काउंसिल के कई डिसीजंस भारतवर्ष के संबंध में हमें अध्ययन करने को मिलते हैं तो कुल मिलाकर हम डेलीगेशन के बारे में डिटेल से अध्ययन करें इससे पहले इसकी संवैधानिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है तो यहाँ देखो आज की कक्षा में मैं जो चीज़ लेकर आपके सामने आया हूँ वो है भारतीय संविधान व प्रत्यायोजन प्रत्यायोजन डेलीगेशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेलीगेशन से संबंधित क्या प्रावधान है तो वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले की स्थिति को अपन जाने और उसके बाद में अपन इसको देखना चाहें तो देखो इस बिंदु को अपन बेसिकली कैस लॉज से ही देख सकते हैं तो यहाँ पहले अपन संविधान पूर्व की स्थिति के बारे में संक्षिप्त में देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन वाद का जजमेंट जो है 1949 में प्रीवी काउंसिल द्वारा दिया गया था जिसका टाइटल है जतिंद्रनाथ बनाम बिहार राज्य 1949 प्रीवी काउंसिल इसमें जजमेंट में जो बातें लिखी गई दो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने उभर कर आई पहली बात थी प्रत्यायोजित विधान निर्माण की सहायिका हो देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो विधान निर्माण की सहायिका हो इसका मतलब ये कि विधायिका की विधान निर्माण की शक्ति है वह प्राथमिक है और उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से अपने सामने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रावधान या लॉज आते हैं वो मुख्य या प्राथमिक न होकर सेकेंडरी या गौण होने चाहिए या सहायक होने चाहिए कहने का मतलब यह कि विधायिका की जो प्रधान करते हैं वो विधायिका करें और विधायिका के असिस्टेंस के रूप में कार्यपालिका को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए मदद करनी चाहिए दूसरा जो निर्णय इसमें लिखा गया वो है प्रत्यायोजी पर विधायिका का नियंत्रण बरकरार हो देखो ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं किया जा सकता इस जजमेंट के अनुसार या ओवरऑल अपन इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देंगे तो अगर कार्यपालिका को या किसी कार्यपालक को किसी सत्ता का डेलीगेशन किया जाता है तो उस डेलीगेटी पब्लिक सर्वेंट या उस डेलीगेटी संस्था के ऊपर विधायिका का नियंत्रण बरकरार रहना जरूरी है और यदि विधायिका किसी ऐसे डेलीगेशन को अंजाम देती है जिसके पश्चात विधायिका का डेलीगेटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो ऐसे डेलीगेशन को अवैध करार दिया जाएगा ये दो महत्वपूर्ण बातें देखो प्रत्यायोजित विधान विधायिका के सहायक उपकरण के रूप में काम करें तथा विधायिका किसी ऐसे डेलीगेशन को अंजाम न दे जिस पर डेलीगेट या प्रत्यायोजी पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ना हो इस जजमेंट को यदि अपन डिटेल से अध्ययन करें तो निसंदेह हमारे सामने कई बातें ऐसी आएंगी कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के स्कोप को ये स्कोप को या उसके दायरे को संकुचित करता है, है या यूं कह सकते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त कर देता है इसके बाद में या संविधान के लागू होने के बाद में अपने उच्चतम न्यायालय ने कई जजमेंट्स ऐसे लिखे हैं उन जजमेंट्स से कई बातें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो प्रत्यायोजित विधायन के दायरे को दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है इस कड़ी में सबसे पहले अपन जिस केस को डिस्कस करेंगे वो है इनरी दिल्ली लॉज एक्ट एआईआर 1951 सुप्रीम कोर्ट 332 332 इस जजमेंट में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को उन महत्वपूर्ण सवालों के साथ अपन यहाँ डिस्कस करेंगे या यूं कहें कि इस वाद में कौन से केस कौन से बिंदु थे जिनके ऊपर न्यायालय को डिस्कस करना था तो यहाँ देखिए इसमें मैंने इस वाद के साथ हेडिंग ऐसी दी है कि न्यायालय के सामने या उच्चतम न्यायालय के सम्मुख जो विचारणीय पर्सन थे या जो कंसिडरेबल पॉइंट थे उनमें पहला पॉइंट क्या था देखिए पहला पॉइंट था क्या विधायिका कार्यपालिका को अन्य क्षेत्र में भी विधियों के विस्तार की अनुमति दे सकती है देखो जिस फील्ड में विधानमंडल ने मूल विधान को सृजित किया है और उस मूल विधान से संबंधित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के लिए भी क्या विधायिका कार्यपालिका को ऐसी शक्तियों का डेलीगेशन कर सकती है कि वो वहां अप, अपने विवेक से उस कानून का विस्तार कर सके तो यदि उस मूल विधान में या उसके मोटो को या उसके उद्देश्य को हल करने के लिए अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यपालिका संबंधित विधान को सृजित करे या उसको थोड़ा लिबरल दृष्टिकोण से एनालिसिस करके उसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करे तो माननीय न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर दिया यस कहने का मतलब यह है कि, कि किसी अन्य क्षेत्र में विधायिका कार्यपालिका को ए, प्रत्यायोजित विधायी के लिए सशक्त कर सकती है दूसरा सवाल इसमें जो डिस्कस करने योग्य था वो ये था कि क्या विधायिका कार्यपालिका को विधि पर प्रतिबंध या परिवर्तन के लिए सशक्त कर सकती है तो देखो ए, इस सवाल के संबंध में जो आर्ग्यूमेंट्स आए उन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद में न्यायालय ने इसका जवाब भी पॉजिटिव दिया कहने का मतलब ये कि अगर विधानमंडल से किसी प्रकार की ऐसी विधि बन गई है जो नागरिक अधिकारों के अनुकूल नहीं है तो ऐसी विधि के प्रावधानों पर उचित प्रतिबंध या परिवर्तन उसमें करने के लिए कार्यपालिका सशक्त है और ऐसे संबंध में वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का निर्माण कर सकती है तो इस दूसरे प्रश्न का जवाब भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सकारात्मक दिया तीसरी बात देखो इसमें क्या है यह है कि क्या किसी अन्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर भी विधायिका कार्यपालिका को सशक्त कर सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जिसमें काफी आर्ग्यूमेंट्स आए कहने का मतलब है कि जैसे एक स्टेट की लेजिस्लेशन ने किसी कानून को निर्मित किया है या किसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने कानून को निर्म, निर्मित दी है और निर्माण उस कानून का निर्माण करने वाली संस्था से भिन्न कोई विधायिका क्या अपनी कार्यपालिका को उस विधान में परिवर्तन के लिए या उन कानूनों में आवश्यक किसी प्रकार के कदम को उठा, उठाने हेतु का निर्माण कर सकती है या नहीं तो इसका जवाब भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सकारात्मक दिया कहने का मतलब एक विधान द्वारा या पारित कानूनों पर विधायिका अपने कार्यपालिका को डेलीगेटेड लेजिसलेशन के संबंध में सशक्त कर सकती है या प्रत्यायोजित विधान की शक्ति दे सकती है चौथा सवाल इसमें जो था वो ये था कि किसी विधि में परिवर्तन संशोधन हेतु सशक्त किया जा सकता है देखो ए, कानून निर्माण करने वाली मूल शक्ति जो है वो विधानमंडल के पास है तो देखो कानून को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ए, या उसका फ्लेक्सिबल मीनिंग ग्रहण करके कार्यपालिका अपनी विवेकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शक्ति हो सकती है लेकिन किसी कानून के मूल ड्राफ्ट में परिवर्तन या संशोधन की शक्ति जो है उसको क्या विधायिका डेलीगेट कर सकती है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका जवाब नकारात्मक दिया ऐसा कार्यपालिका डेलीगेटेड पावर्स के जरिए नहीं कर सकती इस प्रकार इस सवाल इस वाद में जो महत्वपूर्ण बातें डिस्कस हुई वो हमने यहां आपके सामने डिस्कस की है और इसके बाद में भी कई ऐसी बातें या फिर यूं देखें कि वास्तव में इस केस में कुछ और चीजें भी विचारनी है तो देखो इस केस को जब डिस्कस किया जा रहा था उस समय की दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज के ऊपर भी अपने को थोड़ा ध्यान देना चाहिए देखो दो विधि विशेषज्ञों ने इस वाद के तथ्यों पर अपनी मत या राय प्रस्तुत की थी पहला व्यक्ति है एम सी शीतलवाड़ जो उस समय भारत के महान्यायवादी थे उन्होंने अपनी राय दी थी कि विधायिका प्रत्यायोजन की उस सीमा तक शक्ति रखती है जहां तक कि उसके अपने अधिकार का त्याग न हो करने का मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी को इस प्रकार का डेलीगेशन नहीं कर सकती कि उससे ए, उस लेजिस्लेटिव बॉडी के अधिकारों का ही त्याग हो जाए या यूं कहें कि कोई भी विधायिका जो है ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठा सकती जिससे विधि निर्माण की शक्ति उसके हाथों से फिसल कर कार्यपालिका के हाथों में चली जाए बहुत ही महत्वपूर्ण मत था जी दूसरा है इसमें एनसी चटर्जी का मत इन्होंने इस वाद के तथ्यों पर जो राय दी थी वो ये थी कि विधायिका संपूर्ण त्याग को छोड़कर किसी भी सीमा तक प्रत्यायोजन कर सकती है देखो संपूर्ण त्याग कानी का मतलब है कि विधायिका ऐसा नहीं कर सकती देखो ये थोड़ा सा ये कि अंतर करने वाली बात जो इसमें है कि जहां तक उस सीमा तक शक्ति रखती है जहां तक उसे अपने अधिकार का त्याग न हो और उसका अधिकार है विधि निर्माण का देखो विधायक विधि विधायिका का अधिकार है विधि निर्माण तो विधि निर्माण की शक्ति को वो डेलीगेट नहीं कर सकती दूसरा है एनसी चटर्जी ने कहा कि संपूर्ण त्याग को छोड़कर किसी भी प्रकार का डेलीगेशन किया जा सकता है ये देखो संपूर्ण त्याग को छोड़कर कहने का मतलब ये है कि विधायिका चटर्जी के अनुसार विधायिका ऐस, ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं कर सकती जिससे विधायिका कानून निर्माण के दायित्व से पूर्णतया मुक्त तो हो जाए और सारी जिम्मेदारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नामक टाइटल के तहत कार्यपालिका पर डाल दी जाए तो ये दो महत्वपूर्ण जो मत सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इन दोनों मतों में ए, बैलेंस रखते हुए या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों मतों के बीच का मार्ग निकालते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बातें कही वो बातें नीचे मैंने आपके सामने रखी हैं पहली बात है कि संसदीय विधायिका आवश्यक विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती मतलब ऐसी विधायी शक्तियां जिनका इस्तेमाल केवल विधानमंडलों को या पार्लियामेंट को ही करना होता है ऐसी शक्तियों को डेलीगेट करने की छूट विधायिका को नहीं दी जाएगी दूसरा जो जजमेंट आया आवश्यक विधायी शक्ति को अब देखो नया सवाल है कि आवश्यक विधायी शक्तियों का त्याग नहीं कर सकती तो एक नया सवाल क्रिएट हो गया कि आवश्यक विधाई शक्ति क्या है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल को ए, पेंडिंग में छोड़ दिया और जजमेंट में यह लिखा कि आवश्यक विधायी शक्ति को सीमाओं से रेखांकित नहीं किया जा सकता कहने का मतलब कि आवश्यक विधायी शक्ति क्या है तथ्य और परिस्थितियों का प्रश्न है जिसको पहले से रेखांकित नहीं किया जा सकता या यूं कह सकते हैं कि इसे पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता तो देखो इस वाद में जो जजमेंट आया वो फाइनली सिंगल सेंटेंस में यूं कहा जा सकता है कि विधायिका अपने संपूर्ण शक्ति का या अपने आवश्यक विदाई शक्ति का त्याग नहीं कर सकती और आवश्यक विदाई शक्ति क्या है ये तथ्य और परिस्थितियों का प्रश्न है इस प्रकार इस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सप्लेन करने का एक अच्छा कार्य किया गया लेकिन ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं था इसके बाद में भी बहुत सारे कैश लॉज अपने को सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन करने को मिलते हैं जिसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है जिसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे थैंक यू सो मच